यूपी का मुरादाबाद पूरी दुनिया में पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है। यहाँ के पीतल के उत्पादन देश विदेश में एक्सपोर्ट किए जाते हैं। तो वहीं मुरादाबाद में बहुत से ऐसे कार्य हैं जिनमें गंगा जमुना तहजीब की मिसाल पेश होती है। उन्हीं में से एक कार्य है पीतल का, जिसमें अधिकतर मुस्लिम समुदाय के लोग पीतल के उत्पाद बनाते हैं। इसमें भी खासियत यह है कि मुस्लिम समुदाय के लोग जो उत्पाद बनाते हैं उनमें हिंदुओं में इस्तेमाल होने वाले पूजा पाठ से संबंधित उत्पाद शामिल हैं, जिससे साफ प्रतीत होता है कि यहाँ पर गंगा जमुना तहजीब की एक मिसाल पेश होती है। मुरादाबाद पूरी दुनिया में पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है। तो वहीं मुरादाबाद में सबसे ज़्यादा पीतल का ही कारोबार किया जाता है। उस कारोबार को अधिकतर मुस्लिम समुदाय के लोग ही करते हैं। इसके साथ ही आप अपने घरों में पूजा में पीतल की भगवान जी की विभिन्न प्रकार की मूर्तियां इस्तेमाल करते हैं। इसके साथ ही पूजा के दौरान घंटी और चिरागी का भी इस्तेमाल किया जाता है। यह सभी चीज़ मुरादाबाद में मुस्लिम समुदाय के लोग तैयार करते हैं। इसके साथ ही उन सभी का कहना है कि हिंदू मुस्लिम अलग अलग नहीं हैं, हम सब भाई भाई हैं, इसलिए हम सब मिलकर काम करते हैं और बरसों से हम यह पूजा में इस्तेमाल होने वाले उत्पाद बनाते चले आ रहे हैं। पीतल कारोबारी जिसान शमसी और मुनव्वर हसन ने बताया कि हम दादा और परदादा के ज़माने से यह पूजा पाठ के समान बनाते चले आ रहे हैं। पहले हमारे दादा परदादा मिट्टी के पूजा पाठ के समान बनाते थे, उसके बाद पीतल के बनाने शुरू किए। जी, मेरा नाम जिसान शमसी है। अच्छा, ये पूजा पाठ के जो आइटम हैं ये कब से तैयार कर रहे हैं आप? जी, ये तो हमारे पुस्तक से चला आ रहा है पूजा का आइटम। पहले किसी ज़माने में ये मिट्टी के बना करते थे, तो हमारे जो ये बाप दादा लोग थे, पुराने लोग, ये पीतल के अंदर करके लेकर आए। जब से पीतल का चला आ रहा है, हर घर 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 में ये पूजा के आइटम बनते हैं। हर घर में पीतल का काम होता है मुरादाबाद शहर के अंदर। अच्छा, क्या क्या पूजा पाठ के आइटम बनाते हैं आप? जी, सभी बनाते हैं। ये पूजा करने की आरती हो, घंटी हो बजाने की, अगरदान स्टैंड अगरबत्ती लगाने का हो, दीपक हो, और ये जितने भी आइटम हम सब बनाते हैं, जितने हिंदू मुसलमान भाई हैं आपस में मिलजुल के एक इत्तेफाक के साथ काम करते हैं। जैसे हम मुसलमान भाई बनाते हैं, ऐसे हिंदू भाई खरीदते हैं। हिंदू भाई खरीदने के बाद आगे बढ़ाते हैं, बाहर सप्लाई करते हैं। जैसे पूना हुआ, उड़ीसा हुआ, ये बाहर बंगाल हुआ, बिहार हुआ, यहाँ आके सप्लाई होता है सारा माल। तो कह सकते हैं कि गंगा जमुना तहजीब की मिसाल पेश करते हैं। अरे, गंगा जमुना तहजीब तो है, मिल बांट के प्यार मोहब्बत एक इत्तेफाक के साथ काम करते हैं। जितने भी हिंदू भाई हैं सब मुसलमानों से जुड़े हुए हैं, जितने मुसलमान भाई हैं सब हिंदुओं से जुड़े हुए हैं। एक दूसरे से जुड़ने के बाद बहुत बढ़िया करके काम हो रहा है यहाँ मुरादाबाद में। मेरा नाम है मुनव्वर हसन। अच्छा, ये पीतल के जो पूजा पाठ के आइटम होते हैं वो कौन लोग बनाते हैं? सब मुसलमान ही बनाते हैं। मुरादाबाद के अंदर जो पूजा पाठ का काम शुरू हुआ है वो लाल मस्जिद से शुरू हुआ और सारे मुसलमान यही काम करते थे, और आज तक जो है सारे आइटम पूजा पाठ के आइटम बनाने वाले सिर्फ मुसलमान लोग हैं। अच्छा, सब मिलजुल के में सप्लाई करने वाले हैं, सब मिलजुल के करते हैं, उसमें हिंदू भी मुसलमान भी, लेकिन जो बनाने वाले हैं वो सिर्फ मुसलमान ही हैं। ज़्यादातर मुस्लिम बनाते हैं, मैनुफैक्चरर जो है सब मुसलमान हैं। वर्तमान में क्या स्थिति चल रही है कारोबार की? कारोबार की अच्छी स्थिति है, बहुत अच्छा माल बिक रहा है, और ज़्यादातर काम जो है वो पूजा पाठ का चल रहा है, क्योंकि आगे दिवाली आने वाली है, ज़्यादातर काम पूजा पाठ का ही है चल रहा है। हाँ,